नमस्कार दोस्तों, आपका बर्मा ऑटोमोबाइल में स्वागत है। आज हम इसकी बताएंगे एवरेज सेटिंग करना, किस तरह एवरेज सेट करते हैं पल्सर की। तो ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर स्क्रू है ये। तो ये जो है, हम इसको दिखाएंगे आपको किस तरह सेटिंग होगी। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो ये देखिए बिल्कुल सीधा है, तो जो जो हमारा पेचकस है ऐसे लगेगा। उसके बाद में इसकी, जैसे हम इसको ऐसे करके घुमाएंगे, ये एक इधर इधर से बराबर हो जाएगा एक साइड, मतलब जैसे ये है, अगर इस तरह से ये घूमा, दो बार घूम गया, एक चूड़ी हो गया। अगर हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये आधा हो गया इस तरह से, फिर एक हो गया, यहाँ पे था इसका मिक्सचर। तो आज हम इसको बताएंगे किस तरह से एवरेज सेटिंग होगी और कितना चूड़ी इसको खोलना चाहिए, हम बताएंगे अभी आपको। ये देखिए, आधी, एक, डेढ़, दो, ढाई, तीन, साढ़े तीन, चार, साढ़े चार, पाँच, साढ़े पाँच, छः, ये छः, छः चूड़ी खुला हुआ था तेल। तो छः चूड़ी अगर खुला होगा तो हमारी गाड़ी जो है एवरेज बिल्कुल भी नहीं देगी, और उसके बाद में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, सुबह सवेरे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हम इसको आपको बताएंगे, देखिए हमने पूरा कस दिया है इसको, पूरा ये कस गया। उसके बाद में हम इसको खोलेंगे, जैसे हमने कसा वैसे ही खोलेंगे। ये देखिए, ये ऐसी है बराबर, बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे है बिल्कुल। तो इसको हम खोलेंगे, आधी, एक, डेढ़, दो, ढाई, कई पल्सर की जो होती है वो ढाई पे भी सेटिंग आती है। तो इसको जो वैसी है, मतलब जब जो हम सब करते हैं वो ऐसी है, ये होगी ढाई। उसके बाद ये आ गई तीन, तीन तीन चूड़ी हो गई हमारी ये मेन। तो तीन चूड़ी हमने इसको खोला है। उसके बाद में हम इसको साढ़े तीन भी कर सकते हैं, साढ़े तीन से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि साढ़े तीन से ज़्यादा करेंगे तो एवरेज हमारी नहीं देगी गाड़ी। तो ढाई पे, तीन पे और साढ़े तीन पे जो है ये सेट होती है बिल्कुल, जो इसकी अच्छी एवरेज देगी। और पल्सर है ये, तो ये करीब 180 सीसी है, तो 150 में भी ऐसी होगी, 220 में भी ऐसी होगी। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको करने के बाद में, उसके बाद में जो एवरेज है, जो इसका आरपीएम है, ये आरपीएम है, जो इसकी स्पीड है, आरपीएम होना 1000 पे हम कर देंगे, यहाँ पे एक पे जो इसका आरपीएम है यहाँ पे रहेगा। आरपीएम दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके इसको, आरपीएम इसका एक पे है। इसको थोड़ा सा सेटिंग करेंगे, जैसे पहले से भी ऐसी था, तो जैसे अगर हम स्पीड आरपीएम बढ़ाएंगे, स्पीड ये देखिए जा रहा है, तो इसके हम जो है यहाँ पे करेंगे हमारी गाड़ी पूरी स्टार्ट है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो गाड़ी है वो एवरेज बहुत अच्छी देगी। तो आज का वीडियो यहीं तक है, अगर और भी कोई आप वीडियो चाहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, उसको हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी गाड़ी है आपके पास फोर स्ट्रोक,
तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे और हमारा नया नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बर्मा ऑटो मोबाइल। नमस्कार दोस्तों।